हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं केवल एक बाउल रवा से ये टेस्टी डिलीशियस और इंस्टेंट रवा इडली, जिसमें एक भी चम्मच तेल इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रवा। एक बाउल रवा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब पानी डाल करके हम इसका बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। इडली बैटर की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 मिनट के बाद मैं ये चेक कर रही हूँ, पानी बैटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो थोड़ा सा और पानी मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें इडली बैटर की कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कटे हुए गाजर, प्याज, हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है। इन सभी चीज़ों को बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे इनो। इनो से बहुत अच्छा फ्लफी बनता है इडली हमारा। इनो डालने के बाद हमें इसे फटाफट से मिक्स करना है और तुरंत ही हमें इसे स्टीम करना होगा। ज़्यादा देर तक हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैंने इडली स्टैंड ग्रीस करके रखा हुआ था, उसमें बैटर को पोर कर देंगे। पोर करने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई रखी हुई है गैस पे, पानी डाल करके। ये अच्छे से पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें इडली स्टैंड प्लेस कर देंगे और ढक्कन को कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, हमारा इडली बिल्कुल भी रेडी है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गई है इडली हमारी। 2 मिनट के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। चम्मच की सहायता से बहुत आराम से इसे निकालिए और ये हमारी हेल्दी इडली बनकर के तैयार है, जिसमें मैंने एक चम्मच भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत हेल्दी और फटाफट से बनने वाला ब्रेकफास्ट है। तो आपके पास टाइम कम है तो आप फटाफट से इस ब्रेकफास्ट को बना सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जब भी आपको फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपके व्यूज़ वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।